हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्कूल के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सलवार का कपड़ा है, तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पर हमारा सूट का कपड़ा है, और इस कपड़े में से हम दो सूट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है वो चौड़ाई में कम है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे, और यहाँ पर हम शर्ट वाला कॉलर रखेंगे, ठीक है। तो लंबाई हमारी 35 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 36 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी 35 इंच की लंबाई है, और 1 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे, तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम आर्महोल की लंबाई 6.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। और 1 इंच पर हमें तरह से आर्महोल की गोलाई करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे, तो सीने की चौड़ाई हमारी 17 इंच है, तो 17 को आधा करेंगे तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, और 13 इंच पर हमें हिप के लिए निशान लगाना है, ठीक है। और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे, तो कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है, तो इस तरह से 15 इंच को आधा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर हिप की चौड़ाई नापेंगे, तो हिप की चौड़ाई भी हमें 17 इंच रखनी है, तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमें तीनों निशान को मिला देना है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे, और घेर की चौड़ाई भी हमें 17 इंच रखनी है, तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच, और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, ठीक है। और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से सूट की कटिंग करी है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर हमें कट लगा देना है, यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग होगी, और एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे, इतना हमारा फोल्ड होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, गले का निशान लगाएंगे, तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 7 इंच रखेंगे, तो 7 के आधे हुए 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और लंबाई 3 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हम कमीज वाला कॉलर बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 7.5 इंच तक हम ओपन साइड रखेंगे, काज और बटन वाली पट्टी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे, जब हम इसको सिलेंगे तभी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर फिर से कपड़े को लेंगे, और इसको अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे।
तो हमने इस तरह से बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे वाले पल्ले को हमें ऊपर से 2 इंच बढ़ा के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और शोल्डर की चौड़ाई हमारी 7 इंच है तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें आरमोल की गुलाई कर देना है। आगे वाले पल्ले पर हमने आरमोल की गुलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आरमोल की गुलाई 1.5 इंच रखनी है। देखिए यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर आरमोल की गुलाई रखी है और गले की चौड़ाई हमारी 3.5 इंच है तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हमें गले की गहराई देनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच पर गले की गहराई रखी है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। नीचे से हमें सेम निशान लगाना है और यहाँ से इस पल्ले को हटा देंगे। और पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। देखिए आप लोग देख सकते हैं जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है ऊपर की तरफ वो हमारा आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से दिखा रहे हैं रख के, देखिए इस तरह से फोल्ड हो जाएगा आगे की तरफ, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी हिप की चौड़ाई 17 इंच है तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे और कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे और सीने की चौड़ाई भी हमारी 17 इंच है तो 17 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे, ठीक है। तो हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए और यहाँ से बाजू की लंबाई हमारी 5.5 इंच है जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 10 इंच है तो 10 को आधा करेंगे तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से बाजू की गुलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई हम यहाँ पर 8 इंच रखेंगे तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है तो अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच पर इस तरह से गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे।
तो हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है और इस तरह से पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है और यहाँ पर हमारे आगे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, तो इस तरह से हमने ड्रेस की कटिंग करना आप लोगों को सिखाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग सिलाई की वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।